नमस्कार दोस्तों, टीडीएस रिटर्न डेट्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स क्या है, इस विषय पर मार्केट में इस समय कंफ्यूजन है और आज की इस वीडियो के थ्रू मैं इसी कंफ्यूजन को कुछ हद तक दूर करने का प्रयास करूंगा। आज की वीडियो में सर कवरेज क्या है, व्हाट आर द नॉर्मल टीडीएस रिटर्न ड्यू डेट्स, whether TDS return dates for the financial year 2021 are extended, if yes then what are the revised due dates, whether TDS payment dates also stand extended or not and consequent impact on issuing TDS certificates if any। to aaj ki is video mein sir inhi prashnon ka uttar janne ka hum prayas karenge। to dekhiye dosto, mera pehla prashn hai aapke samne, what are the normal TDS return dates, TDS return ki normal dates kya hai sir। डेट ऑफ एंडिंग क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जनरली हम टीडीएस रिटर्न सर क्वार्टरली भरते हैं, तो पहला क्वार्टर 30 जून को, दूसरा 30 सितंबर को, तीसरा 31 दिसंबर को और चौथा 31 मार्च को समाप्त होता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें एक महीने का समय मिलता है सर टीडीएस का स्टेटमेंट भरने के लिए, यानी 30 जून को समाप्त हुए क्वार्टर के लिए टीडीएस रिटर्न भरने की डेट 31 जुलाई, उसके बाद वाले क्वार्टर में 31 अक्टूबर, देन 31 जुलाई और इसी प्रकार से लास्ट क्वार्टर यानी 31 मार्च के लिए हमारे को दो महीने का समय 31 मई मिलता है। ये नॉर्मल डेट्स हैं टीडीएस रिटर्न फाइल करने की। अब वित्त वर्ष 2020-2021 में टीडीएस रिटर्न में क्या कुछ परिवर्तन है, इस पर मैं आगे डिस्कशन आपके साथ करता हूं। तो मेरा प्रश्न है सर आपके सामने, वेदर टीडीएस रिटर्न डेट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 आर एक्सटेंडेड, इफ यस देन व्हाट आर द रिवाइज्ड ड्यू डेट्स। तो इन प्रश्नों का उत्तर हमें देखना है सर, और मैंने सोर्स यहां पर क्या लिया है सर, सोर्स है टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑर्डिनेंस 2020 और सीबीडीटी का साहब एक नोटिफिकेशन आया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का 35/2020 डेटेड 24 जून 2020। इन दोनों की कंबाइंड इंटरप्रिटेशन से हमें ये इंटरप्रिटेशन डेवलप करनी है कि क्या टीडीएस रिटर्न भरने की डेट्स वित्त वर्ष 2020-21 के लिए परिवर्तित हुई हैं या वही हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखी थी। अब यहां देखिए सर, मैं जो समरी कर पाया वो आपके सामने रख रहा हूं कि रिवाइज टीडीएस रिटर्न ड्यू डेट्स क्या होनी चाहिए। डेट ऑफ एंडिंग क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी 30 जून का क्वार्टर, 30 सितंबर का, 31 दिसंबर का और 31 मार्च। और मैं अब आपके सामने रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स रख रहा हूं टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करने की। तो मैं कह रहा हूं साहब 31 मार्च 2021 पहले क्वार्टर की, दूसरे क्वार्टर की भी 31 मार्च 21 ड्यू डेट है और तीसरे क्वार्टर की मैं डेट आपके सामने अभी 31 जनवरी 2021 रख रहा हूं। यू मे फील एब्सर्ड कि साहब पहले दो क्वार्टर की डेट तो बढ़िया जी, आप 31 मार्च बोले जा रहे हो और तीसरे क्वार्टर की डेट आप 31 जनवरी 2021 बोल रहे हो और चौथे क्वार्टर की तो नॉर्मल डेट 31 मई 2021 आई है। अब ऐसा क्यों है, इसके लॉजिक को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। अगर आपको ध्यान हो सर, तो ये जो टैक्सेशन अदर लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था, ये ऑर्डिनेंस ये कह रहा था साहब कि 20 मार्च से लेकर के 29 जून के बीच में जो भी कंप्लायंस की डेट्स आएंगी उनकी डेट बढ़ा करके 30 जून की जा रही है, या ऐसी डेट की जाएगी जिसे भारत सरकार नोटिफाई करेगी। ये नोटिफिकेशन जो बाद में 24 जून को आया, उसमें गवर्नमेंट ने बोला साहब कि 29 जून की डेट तो हो जाएगी अब 31 दिसंबर, यानी 20 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में जो भी कंप्लायंस आएगी उनकी डेटें बढ़ेगी और वो डेट बढ़ करके क्या हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी 31 मार्च। तो अब आप जरा समझिए, पहले क्वार्टर के लिए मेरे पास में ड्यू डेट थी सर 31 जुलाई, दूसरे क्वार्टर के लिए मेरे पास में जनरल ड्यू डेट है साहब 31 अक्टूबर, तीसरे के लिए मेरे पास में 31 जनवरी और चौथे के लिए मेरे पास में 31 मई। अब ये दो डेटें जो हैं ये इंपैक्ट हो गई क्योंकि ये फॉल कर रही हैं अप टू 31 दिसंबर, और यदि ये अप टू 31 दिसंबर फॉल कर रही हैं तो इनकी नई डेट क्या हो जाएगी 31 मार्च। लेकिन ये सर 31 दिसंबर के अंदर अंदर फॉल नहीं कर रही, तो इसलिए मैं इस पर रेगुलर डेट ही उठा रहा हूं। ये मेरा लॉजिक है जिससे मैंने ये बात आपके सामने रखने की कोशिश करी। हालांकि मैं मानता हूं कि सीबीडीटी को इस विषय पर क्लैरिटी लेकर के आनी चाहिए ताकि असेसीज एट लार्ज जो कि टीडीएस डिडक्टर हैं उनके लिए ये कंफ्यूजन दूर हो। आज की डेट में अगर आप भारत सरकार की साइट पर incometaxindia.gov.in पर जाएंगे तो वहां रेगुलर ड्यू डेट्स जो पहले आपके साथ डिस्कस करी वही लिखी आ रही। तो इस प्रकार से सर असेसीज एट लार्ज को टीडीएस के संदर्भ में जहां पर वो डिडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक बड़ा कंफ्यूजन मार्केट में है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार यानी सीबीडीटी इस विषय पर क्लैरिटी लाए,
लेकिन जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक ये जो इंटरप्रिटेशन मैंने आपके सामने रखी, मेरी ओपिनियन में इंटरप्रिटेशन काम करेगी। अब यहां मैं प्रश्न लेके आया हूं सर, वेदर टीडीएस पेमेंट डेट्स ऑल्सो स्टैंड एक्सटेंडेड और नॉट। इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों, नो। भारत सरकार ने ना तो टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के अंदर ना ही सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार से टीडीएस की पेमेंट की डेट एक्सटेंड करी है। तो जब टीडीएस पेमेंट डेट एक्सटेंड नहीं हुई, हाँ इनिशियली रिलैक्सेशन इन इंटरेस्ट रेट जरूर दिया था, वो भी आज की डेट में लागू नहीं है। तो आप ये मान के चले सर कि टीडीएस पेमेंट की डेट में किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन भारत सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। क्या कॉन्सिक्वेंट इंपैक्ट आया है टीडीएस सर्टिफिकेट्स पर? बिल्कुल सर, अगर मेरी जो बात मैंने अभी आपके सामने रखी कि चारों क्वार्टर में से दो इनिशियल क्वार्टर के लिए, फर्स्ट और सेकंड के लिए 31 मार्च 2021 लास्ट डेट हो गई टीडीएस रिटर्न भरने की, अगर मेरी ये बात सही सिद्ध होती है, भारत सरकार भविष्य में अमेंडमेंट नहीं करती, जबकि अगली दो डेटें मैंने आपके सामने 31 जनवरी 2021 और चौथी डेट सर 31 मई 2021 रखी, तो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की नॉन गवर्नमेंट केसेस में जनरली जहां पर आपकी रिटर्न भरी जाती है उससे 15 दिन में आपको टीडीएस का सर्टिफिकेट इशू करना है। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली सर आप 15-15 दिन जोड़ते जाएं और आपके पास में टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की डेट खड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से सर जो इंपैक्ट टीडीएस सर्टिफिकेट पर भी आएगा वो भी मैंने आपके सामने इस वीडियो से रखने का कोशिश किया। अंत में दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से बिकॉज ऑफ COVID-19 ऑल दीज काइंड ऑफ कंफ्यूजन्स आर अराइजिंग, बिकॉज भारत सरकार को समय समय पर अपनी ड्यू डेट्स में असेसीज को रिलेक्शन देने के लिए, रिलैक्सेशन देने के लिए टाइम लिमिट्स में, ड्यू डेट्स में चेंजेस करना पड़ा है। मैं नहीं मानता कि ये कोई जानबूझकर आ रही कोई समस्या है या मिस्टेक है। हाँ, इस पर क्लैरिटी आने वाले समय में निश्चित रूप से अपेक्षित है, और जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक जो इंटरप्रिटेशन मैंने आपके सामने रखी, मैं उम्मीद करता हूं कि वो इंटरप्रिटेशन सही है। हालांकि यद्यपि आपकी कोई और इंटरप्रिटेशन है तो आप मुझे कमेंट पोर्शन में लिख सकते हैं। मैं आज के लिए अपनी वीडियो को सर यही समाप्त करता हूं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।